आसोसम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके संग खाने में बनने वाले व्यंजन की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में नाश्ते से लेके रात के डिनर तक और व्रत में खास तौर पर यूज किए जाने वाले साबुदाने को मोतियों के जैसे कैसे भिगो के तैयार कर सकते हैं। मोतियों जैसे दानेदार साबुदानों को अगर आप ज्यादा पानी में भिगो देते हैं तो वो बिल्कुल चिपचिपे बन जाते हैं और उसका पानी का जो परफेक्ट मेजर है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको सिर्फ आशुसम किचन में ये मेथड पता चलेगा। तो आज मैं आपके संग खास तौर पर यह लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स साबुदाने से जुड़ी होती हैं कि इसको किस तरीके से परफेक्टली भिगोया जाए ताकि मोतियों जैसे दाने इसमें आ जाएं और ये बिल्कुल भी चिपचिपा ना बने। मेरी साबुदाने खिचड़ी भी आप देख सकते हैं, वड़े की रेसिपी देख सकते हैं, उसमें परफेक्टली मोतियों के जैसे साबुदाने के दाने हैं और मेरी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनी है। तो मुझसे लोगों ने पर्सनली पूछा था तो आज मैं उन कमेंट्स को लेके ये मेथड शेयर कर रही हूँ कि आपको किस तरीके से साबुदाने को परफेक्टली भिगोना है ताकि आपके जो भी व्यंजन साबुदाने से बने आपको उसमें कोई भी कठिनाई ना आए। वैसे तो साबुदाना क्या है पहले ये जान लेते हैं। साबुदाना जिस तरह से शकरकंद होता है जो कि मिट्टी के अंदर उगाया जाता है उसी तरीके से एक कसावा की जड़ होती है जिसके स्टार्च से साबुदानों को बनाया जाता है। पहले तो ये तरल रूप में होता है, फिर इसको मशीनों के द्वारा ठोस मोतियों के जैसे बनाया जाता है। बाजार में इसका आटा भी मिलता है और छोटे और बड़े दानों के रूप में साबुदाना भी मिलता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला साबुदाना यूज कर रहे हैं। आमतौर पर आपको इंस्टेंट और लूज वाला जो साबुदाना मिलता है उसमें बस यही फर्क है कि उसमें जो स्टार्च की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, लेकिन इंस्टेंट वाले में आपको उसकी जो क्लियरिटी है वो बहुत ज्यादा हद तक अच्छी मिलती है। तो यहाँ मैं इंस्टेंट साबुदाना के संग ये मेथड आपके संग शेयर कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो उसके आगे के जो भी टिप्स हैं मैंने वीडियो में शेयर किए हैं। अगर आपको ये साबुदाना परफेक्टली भिगोने का मेथड पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलना। साथ ही मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर हिट कर दे ताकि आपसे मेरी कोई भी रेसिपीज की वीडियोस और खासकर इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से सीख लेते हैं कि साबुदाना को परफेक्टली मोतियों के जैसे कैसे भिगो के तैयार करें। साबुदाना परफेक्टली भिगोने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। आप इसको जिसमें भिगोना चाहते हो साबुदाना को वो बर्तन आप ले लें। यहाँ एक कप मैंने सूखा साबुदाना ले लिया है, इसको हम बाउल में पोर कर देंगे। अब इसे दो तीन पानी हम अच्छे से धो लेंगे, साफ करना है बिल्कुल। पहले पानी डाल देंगे, साफ हाथ की मदद से इसे हल्के हल्के धोएंगे। ये पानी फेंक देंगे, दूसरी बार पानी डालेंगे, फिर से इसको हल्के हाथों से साफ करेंगे। इस पानी को भी फेंक देंगे, तीसरी बार पानी डालेंगे, धो लेंगे। तीसरी बार में पानी साफ आ गया है तो अब हम इसको भिगोने के लिए छोड़ देंगे, उससे पहले इस पानी को फेंक देंगे। अब आती है बारी साबुदानों को भिगो के कितने पानी में रखना चाहिए। तो यहाँ मैं पानी ले रही हूँ साबुदाने के सिर्फ डूबने तक। मैंने यहाँ पे पानी लिया है जितना साबुदाना भीग जाए या डूब जाए, इससे ज्यादा पानी नहीं रखना है क्योंकि आप अगर इंस्टेंट वाला यूज कर रही हैं साबुदाना तो एक से दो घंटे मैक्सिमम ये लेता है और पानी को बहुत अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब करके बिल्कुल फूला फूला और खिला खिला बनेगा। जो बाहर मार्केट से आप ओपन वाला साबुदाना खरीद के लाती हैं उसमें जो डर्ट इम्प्योरिटीज होती है वो इंस्टेंट साबुदाना जो पैकेट होता है उसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको साफ करने के लिए आपको 4-5 वॉश भी लग सकता है। आप तब तक वॉश करते रहें जब तक उसमें क्लियर वाटर ना दिखाई दे। तो अब मैं इसको दो घंटे के लिए
सोक करने के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले पानी को और बिल्कुल फूला फूला बने। दो घंटे के लिए इसको ढक के हम रख देंगे। दो घंटे हो गए हैं, देख लेते हैं। दो घंटे में ही साबूदाना फूल के रेडी हो गया है। ये देखिए, एक एक दाना बिल्कुल अलग हुआ है, मोतियों सा खिल गया है बिल्कुल। तो इस तरह से अगर आप साबूदाना को भिगोएंगे, क्योंकि ये एक परफेक्ट प्रोसेस है साबूदाना को भिगोने की। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने जब अपनी साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी शेयर की थी तो उसमें मुझे बहुत से लोगों ने पूछा पर्सनली भी कि हम लोग जब साबूदाना को सोक करने के लिए रखते हैं तो वो बिल्कुल चिपक जाता है और फिर वो उस तरीके से नहीं बना जैसे आपकी साबूदाना खिचड़ी बनी थी। तो मैंने उनको बोला था कि मैं बहुत जल्दी ये रेसिपी लेके आऊँगी, क्योंकि ये आपकी ही नहीं बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है और ये कंसर्न बहुत ज़्यादा कॉमन है कि साबूदाना को किस तरीके से सोक किया जाना चाहिए। तो इस तरह से साबूदाना आप सोक कीजिए, उसे भिगोइए, पानी का ध्यान रखना है और उसको साफ करना है प्रॉपर, क्योंकि अगर उसमें स्टार्च पाउडर या इम्प्योरिटीज रह जाती हैं तो वो अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है और परफेक्टली ऐसे मोतियों की तरह नहीं सोख हो पाता है। तो ये वीडियो देखें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें, जुड़े रहें आशुस होम किचन से। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।